तो राजकुमार, तो कैसे हैं आप? बहुत बहुत आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज इलेक्ट्रिक ऑटो के बारे में जानने के वास्ते आया हूँ दोस्तों। तो आज इलेक्ट्रिक ऑटो कैसा है और उसके पूरे डिटेल्स और उसका रेट और उसकी बैटरी पूरे फ्यूचर के बारे में जानेंगे, तो आपको ऑटो दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आज मैं मोन्ट्रा की ऑटो के बारे में डिटेल जानने के लिए आया हूं। ये मोन्ट्रा की गाड़ी है और फुल आज डिटेल इनके बारे में पूछेंगे, गाड़ी के बारे में और एक ड्राइवर के डाउट क्या क्या होते हैं वो सब आज पूछने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ और हमारे साथ जुड़ेंगे प्रशांत भाई और उनसे भी मैं पूछूँगा, तो ज़रा वेट करिएगा। तो ये ऐसे हैंडल का डोर है, हैंडल के डोर सही है और सीट यहाँ पे देखिए, जगह ऐसे फुट स्पेस बहुत ज़्यादा है, 3 कस्टमर आराम से बैठ सकते हैं। और आपको पीछे की जगह बताऊंगा, यहाँ पर भी पूरा जगह है और इसके अंदर पूरी की बैटरी और मोटर लगे हुए हैं पूरे। तो पीछे से लुक ऐसा दिखता है और यहाँ पे देखिए 2 सस्पेंशन दिया है, सामने के टायर को 2 सस्पेंशन है, अपने पुराने ऑटो को एक ही सस्पेंशन आता है, पर यहाँ पर बाइक सजा सिस्टम दिया है, 2 सस्पेंशन है यहाँ पे। तो अभी दोस्तों ये देखिए मोन्ट्रा गाड़ी की चाबी है, ये ऐसी दिखती है बाइक की जैसी। तो अभी मैं इसको लगाऊंगा ऐसे और अभी गाड़ी पे बैठते हैं, ज़रा आपको बताता हूँ मैं कैसा आता है स्क्रीन इसका। यहाँ पे चाबी लगा दी, ऐसे आप लगेगा करेंगे तो यहाँ पे लॉक हो जाएगा और ये गाड़ी अभी ऑफ है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, ये इसका स्क्रीन है और इसकी चार्जिंग बता रही है 104 किलोमीटर और चलेगी गाड़ी। 71% का इसमें और बैकअप है, आपको दिख रहा होगा 71% का है और इको सिस्टम पे लगी हुई है गाड़ी। और मेरे साथ प्रशांत भाई भी है, वो ज़रा पीछे से मुझे सपोर्ट करेंगे और गाड़ी के बारे में बताएंगे। तो उनको मैं ज़्यादा उनको ज़बरदस्त नहीं करूँगा, तो आपको मैं जो भी डाउट है मैं पूछूँगा और आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये है पार्किंग असिस्टेंट, जब आपको गाड़ी पार्क करनी होती है तो आप इस पर लगा दिए तो 10 की स्पीड से चलेगी गाड़ी। और यह है न्यूट्रल गाड़ी, ये न्यूट्रल पे रहेगी तो गाड़ी आगे ना जाएगी ना पीछे ना जाएगी। और यह है इको सिस्टम, इस पर आप यदि ड्राइव करोगे तो अगर इसके ऊपर चलाओगे 150 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी आपको देगी। और यह है ड्राइव, अगर आपके पास लोड रहेगा तो इसके ऊपर आप चलाओगे, अगर बहुत चढ़ाव है गाड़ी सामने आपको चढ़ाव दिख रहा है तो आपको डालना है पावर इसके ऊपर, आपको डालना है तो चढ़ाव भी चढ़ जाएगी। अब भी सॉरी दोस्तों एक कॉल आ रहा है, मिस करता हूँ ज़रा। रेंज के बारे में आपको ज़रा बताना है, तो बैटरी जो है अपने को जो है इसका चार्जर पॉइंट मिलता है आपको, इसमें चार्जर पॉइंट रहता है। और आपको बताता हूँ चार्जिंग कहाँ पे करना है, चार्जिंग का पॉइंट देखिए दोस्तों ये है और अपने घर में लगाना है इसको, आपको चार्जिंग पॉइंट भी बताऊँगा इसका। और दोस्तों आपका 4 घंटे चार्जिंग में 155 का ये गारंटी दे रहे हैं कि चला सकते हैं बोल के। अगर आप ड्राइव मोड पे डालोगे तो उतना मिलेगा, अपन इको पे आप चलाओगे गाड़ी तो इनकी गारंटी है कि आप 150 से आगे ले सकते हो। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 55 है और 4 घंटे चार्जिंग करने के बाद आपको ये गाड़ी
155 किलोमीटर मिनिमम देगी, मिनिमम, मैक्सिमम तो ज़्यादा रहेगा अपन, मिनिमम 150 किलोमीटर देगी आपको चार्जिंग, अपने 4 घंटे के चार्जिंग पे घर पे ही चार्जिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ये चार्जिंग चार्जिंग करने का ये है, ये देखिए घर में आपने को लगाना है इसको, घर का जो स्विच में रहता है ना उसमें स्विच में लगाना है, और ये वाला जो है ना ऑटो में लगाना है, ये ऑटो में लगाते हैं। और इसकी वारंटी कितनी सर? 3 साल 1 लाख किलोमीटर सेम ही वारंटी। तो सेम वारंटी है दोस्तों इसका भी, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की वारंटी है ये, तो बहुत बड़ी बढ़िया है ऑफर है बोलता हूँ मैं, बहुत बढ़िया चीज़ भी है, सबकी वारंटी है, 3 साल तक कोई काम आने वाला नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बस छोटे से छोटा सा ये आएगा अपने को ब्रेक ऑयल डालना है और गियर बॉक्स में ऑयल डालना है। गियर बॉक्स आपको बताता हूँ, ये आपको गियर बॉक्स दिख रहा है ना दोस्तों, इसमें अपने को ऑयल डालने का रहता है बस, बाकी इसका कुछ भी नहीं है, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, मेरे को दिख रहा है। अभी मैं गाड़ी ये भी लेने वाला हूँ, ज़रा ज़रा इसका पेपर वर्क हो जाए तो आपको मैं टेस्ट ड्राइव करके बताऊँगा और मैं लेने वाला हूँ, और इसका मैं एक्सपीरियंस क्या है वो भी बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक तो आपको बताया था यहाँ पर है, अगर आपको गाड़ी चढ़ाव चढ़नी है तो आपको इस ऑप्शन पर डालना पड़ेगा, और बाकी ये ड्राइव ये देखिए, और क्या कि इको डालोगे तो यहाँ पे इको का मोड आ जाएगा, और ये पार्किंग असिस्टेंट है, ये न्यूट्रल गाड़ी और ये पार्किंग असिस्टेंट, तो 10 की स्पीड पे जाएगी। और इसमें ख़ास बात क्या है बोल तो माउंट्रा कंपनी ने इसमें केबल का एक्सेट्रा दिया है, मतलब वायरिंग का नहीं होता, केबल का है। तो अगर आपको आगे जाना है दोस्तों तो ये बटन क्लिक करना पड़ेगा फॉरवर्ड के लिए, और ये है रिवर्स के लिए, तो मतलब सिर्फ बटन डालने से ही आगे आपको आगे पीछे होती है गाड़ी, सिर्फ आपको एक्सेलरेटर दबाना है, सामने दबाएंगे तो फॉरवर्ड चल जाएगी। और ये देखिए फॉरवर्ड का आ गया, अब मैं पीछे का डालूँगा, ये देखिए रिवर्स का बटन आ गया है, और ये बाकी का तो आप इंडिकेटर देखते हो, और ये हेडलाइट का है, सॉरी दोस्तों ये हेडलाइट का है, और ये इंडिकेटर है, यह हॉर्न है, और ये लाइट है आगे ऊपर नीचे का, और ये हैजार्ड लाइट्स हैं, और ये क्या है कि इसका बटन जो है वाइपर का है, और ये आपको 12 वोल्ट का फ़ोन को चार्जिंग करने के वास्ते मिलता है। और प्रशांत भाई से पूछूंगा और मैं कुछ इसके बैटरी के बारे में। अभी आपको ये एक शोरूम के पास खड़ी हुई है, तो यहाँ पे आपको लाइट आने वाला है, और ये धूप के लिए एक ये भी आने वाला है, कार के कार में जैसा सिस्टम होता है ऐसा धूप बचाने के लिए ये आने वाला है। और इनके देखिए आईने ऐसे रहते हैं, ये आईने हैं। और दोस्तों ये जो सीट है पूरी ड्राइवर के लिए बहुत कंफर्ट है, मतलब आराम से बैठ सकता है आदमी। पुराना ऑटो देखेंगे आप तो सीट आपको यहीं तक मिलेगी, पर ये ड्राइवर के सर के लिए सपोर्ट के लिए यहाँ तक इन्होंने दी है, और यहाँ पे तो आ जाएगा मीटर आ जाएगा, और अपनी स्टेपनी भी दी है यहाँ पे। एक ड्राइवर को जो जो डाउट रहता है वो सब आज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। अभी अपन चलते हैं ब्रेक के पास, और ये देखो दोस्तों पुराने गाड़ियों को क्या है कि सिंगल शाकब्जर रहता है, पर इसको क्या है 2 शाकब्जर का है, जैसे मतलब बाइक का है, मतलब फुल आराम से ड्राइवर से गाड़ी चला सकता है, कोई इसको झटके नहीं लगेंगे। तो चलिए ये सामने से है, ये पहचान है आप यानी, तो ये जो है दिख रहा ना दोस्तों ये मेटल बॉडी है, प्लास्टिक की नहीं है, मेटल बॉडी है पूरी ये। तो भाई अभी लाइट डाल रहे हैं, देखिए ये आ गया है डिम लाइट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आप, ये आपको पता होगा ये डिम लाइट है। अभी आपको बड़ा लाइट डाल के बताएंगे भाई, ये देखिए बड़ा लाइट भी आ गया है, तो ऐसे दिखती है सामने से लुक रहता है ये देखिए। तो जो ड्राइवर को डॉट आते हैं, मैं भी ड्राइवर हूँ, तो जो जो डॉट है आज मैं सब आज को बताने वाला हूँ, तो ज़रा मेरे साथ वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए। और ये पार्किंग लाइट है भाई बता रहे हैं, और बैटरी के बारे में पूछते हैं अभी। तो प्रशांत भाई से ज़रा शोरूम वालों ने कहा है कि आप अभी पेपर का वर्क कुछ हुआ नहीं है तो आप कुछ मत बोलिए, और उसके फ्यूचर के बारे में, मतलब ज़्यादा ही है पन कम नहीं है, पन कम बोल देंगे बोल के उनको बोल रहे हैं कि वो ऐसा ज़रा ये लगा है, तो मैं उनसे पूछता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। तो प्रशांत भाई बोलिए बैटरी कितने वोल्ट की है? 1 किलोवाट बैटरी है, बैटरी का वारंटी 3 साल और 1 लाख किलोमीटर वारंटी है। तो बैटरी जो है 10K वोल्ट की बैटरी है, और 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की वारंटी है, गारंटी है, वारंटी है दोस्तों, 3 साल की वारंटी है, और 1 लाख किलोमीटर तक चलने तक आपको ये रहेगा बैटरी। और ये देखिए सीट ऐसे मिलेंगे आपको, और फुटपेस भी अच्छा है, कार जैसा सिस्टम है, फुटपेस है,
और आपको डोर की जो है ना ऐसे देखिए कार का सिस्टम है ऐसे लगाने का, तो फुट स्पेस भी है पीछे और जगह भी बहुत है। तो प्रशांत भाई ज़रा लाइट डाल दो ना इनके, अभी मैं लाइट डालने के लिए बोला हूँ, देखिए लाइट आ गई है, ये हैज़र्ड लाइट सही है इसके, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं लाइट आए, आज तक मैंने ऑटो में देखा नहीं है पर ये बहुत खूबसूरत लाइट आए, और ये माउंटेन इलेक्ट्रिक कंपनी का है, और आपको 3 साल की वारंटी बैटरी हो या मोटर हो और 1 लाख किलोमीटर तक आपको क्या की वारंटी है दोस्तों। तो मतलब 3 साल से पहले तो आप आओगे नहीं सर्विसिंग के लिए, ये तो पक्का है। तो गाड़ी का पूरा आप डेमो देख लो, पूरा ऐसा दिखती है। और हमारे प्रशांत भाई से पूछता हूँ कि प्रशांत भाई कितने में गाड़ी आएगी ये? 3,64,000। तो 3,64,000 में गाड़ी आने वाले दोस्तों। तो ये सब्सिडी के साथ है या सब्सिडी के बगैर? सब्सिडी इंक्लूड है दोस्तों, ये सब्सिडी इंक्लूड के साथ अरे इंक्लूड टीसी सी। तो सब्सिडी निकालने के बाद ही अपने को 3,64,000 में ये गाड़ी आ रही है दोस्तों, वरना अगर सब्सिडी बगैर सब्सिडी की कितने में आएंगी सर ये गाड़ी? 4,29,460। तो सवा चार लाख में गाड़ी दोस्तों, सब्सिडी अगर नहीं रहेगी तो 4,25,000 में आपको खरीदना पड़ेगा, पर सब्सिडी के साथ निकालने के बाद 3,60,000 में गाड़ी आने वाली है दोस्तों ये। और आप फाइनेंस भी करते हैं भाई? तो दोस्तों अगर ये गाड़ी लेना है डाउन पेमेंट तो डाउन पेमेंट में मिलने वाली है 50,000 में। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा और आपका प्रोफाइल अच्छा रहेगा तो आपको कम में भी पड़ सकती है गाड़ी, 40 में भी आ सकती है, आपके सिबिल स्कोर के ऊपर डिपेंड है ये गाड़ी। तो आपको डाउन पेमेंट करना है 50,000 और आपका बाकी का जो भी है 3,00,000 का पूरा ये लोग जो है चोलाराम में और एक नाम को सा है सर श्री रामा फाइनेंस में और चोलाराम फाइनेंस में गएगी गाड़ी, पूरी फाइनेंस हो जाएगी। आपको डाउन पेमेंट ही देना होगा, गाड़ी पूरी परफेक्ट है, गाड़ी आप लेके कारोबार पे निकल सकते हो, कुछ काम करने की जरूरत है सर इसको? और इसको और ये मैंने पनी चेला ये मैंने एक्स्ट्रा ये मना ये मैंने पनी चेला जिनके लिए उठे जो शोरूम से लेके निकल सकते हैं कारोबार को डायरेक्ट, मतलब इसको कुछ एक्स्ट्रा फिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सीधा कारोबार पे लेके निकल सकते हैं। आपको नंबर प्लेट तो आरटीओ ऑफिस में जाना पड़ेगा या यहाँ पे मिल जाएगा? तो अपने को शोरूम में ही मिल रहा है दोस्तों, अपने को नंबर प्लेट मिल रहा है यहाँ पे, आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस मिल जाएगा सर और एक नंबर प्लेट मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा? तो दोस्तों 3,64,000 में आपको TR नंबर आ जाएगा, RC मिल जाएगा, नंबर प्लेट मिल जाएगा और इंश्योरेंस मिल जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए टायर इसके बहुत बड़े हैं दोस्तों, ये टायर जो है कार, आप कार ही समझ लीजिए, कार जैसे टायर दिख रहे हैं, MRF के टायर हैं ये, ऑटो से बड़े बड़े हैं ये, और ट्यूबलेस टायर है सर ये? ट्यूबलेस तो सर जैसा तो दिख रहा है मुझे तो ट्यूबलेस ही लग रहे हैं ये, ट्यूबलेस का ऑप्शन होगा। तो गाड़ी का सस्पेंशन भी देख लेते हैं, तो गाड़ी भी एकदम कार जैसी है दोस्तों ये। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा ऑटो के बारे में, और भी कुछ अगर डाउट हैं तो मुझे बताइएगा, और इनका लोकेशन मैं डाल दूँगा और इनका लोकेशन कहाँ पर है और कंपनी का नाम पूरा आपको डिटेल में बता दूँगा। तो प्रशांत भाई ज़रा शर्मा रहे हैं, ज़रा उनके बॉस से बॉस की तरफ से ज़रा कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो प्रशांत भाई का थैंक यू करता हूँ, और उन्होंने बहुत जानकारी दी मुझे। तो प्रशांत भाई थैंक यू आपका बहुत बहुत, आपका हाथ तो बता सकता हूँ, आपका हाथ तो दिखा सकता हूँ पर प्रशांत भाई का चेहरा नहीं बता सकता हूँ, अभी उनके बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने वाली है, उसके बाद उनका चेहरा ही बताऊँगा आपको, टेस्ट ड्राइव भी लेके बताऊँगा दोस्तों। तो ये रहा पूरा वीडियो, और अगर आपको कुछ डाउट रहा तो मुझे बताइएगा, और मैं शोरूम का नाम कंपनी का नाम और फ़ोन नंबर भी दे दूँगा इसमें। तो पूरा व्यू ऐसा दिखता है दोस्तों ये, तो चलिए धन्यवाद, और दूसरा इसका अगला पार्ट भी देखिए, टेस्ट ड्राइव करेंगे गाड़ी, जब मैं भी लेने वाला हूँ गाड़ी को तो आपको मैं पूरा फिर डेमो दूंगा उसका। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नॉर्मली टॉप है और फटने वाला नहीं है, ऐसा ही टॉप आने वाला है इसको, ये रेजिन का टॉप है, ये मेटल बॉडी का नहीं है, तो मतलब यहाँ पे अच्छा खासा है। और ये जो है पीछे से लगाने का, ये देखिए ये आपको बताता हूँ, ये तो ये जो है पीछे से ऐसे जब बारिश गिरेगी ना तो ये कवर करने के लिए आपको पीछे का दिया भी है, तो बहुत अच्छा गाड़ी है। तो इसका टेस्ट ड्राइव मोड भी आपको मैं करके बताता हूँ, आप देखिएगा दूसरे पार्ट में।
ये देखिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऐसा लग जाने के बाद निकलेगा नहीं, ये पूरा ये है। फिर बाद में बारिश हो जाने के बाद इसको फिर लपटा के अपन लगा सकते हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई का। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं।